नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं NBC 24। आधार हैकाथॉन 2021 आज से शुरू। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और भारतीय युवाओं के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए UIDAI 28 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक आधार हैकाथॉन 2021 आयोजित कर रहा है। इसके लिए UIDAI ने एक खास पोर्टल बनाया है। UIDAI ने कहा कि विजेता टीमों के सदस्यों को आधार 2.0 पर पहले वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिलेगा। उन्हें अगली पीढ़ी की पहचान और परिमाणकरण मंच बनाने के लिए आधार टीम के साथ काम करने के लिए अवसर मिल सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI गुरुवार को हैकाथॉन आयोजित करेगा ताकि निवासियों के अनुभव को बेहतर बनाने और नामांकन और प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के साथ उनके इंटरफेस को बढ़ाने के लिए अभिनव समाधान ढूंढे जा सके। हैकाथॉन उन नव प्रवर्तकों को लक्षित करेगा जो अभी भी विभिन्न इंजीनियरिंग स्थानों में है और वास्तविक दुनिया में कदम रखने के लिए उत्सुक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी MEITY द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक बयान के अनुसार हैकाथॉन 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि में शुरू किया। अब तक UIDAI को इंजीनियरिंग के छात्रों से 2700 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। हैकाथॉन की थीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अनुसार आधार हैकाथॉन 2021 दो विषयों पर आधारित है। पहला विषय नामकरण और उद्धतन के आसपास है, जो अनिवार्य रूप में अपने पते को अपडेट्स करते समय निवासियों द्वारा सामना किया जाने वाली कुछ वास्तविक जीवन चुनौतियों में शामिल करता है। हैकाथॉन का दूसरा विषय UIDAI द्वारा प्रस्तुत पहचान और प्रमाणीकरण समाधान के आसपास है। इस विषय के तहत UIDAI आधार संख्या या किसी भी जनसंख्या जानकारी की शाखा के लिए बिना पहचान साबित करने के लिए अभिनव समाधान मांग रहा। ये फेस आइडेंटिफिकेशन API के इर्द गिर्द इनोवेटिव एप्लीकेशन की भी तलाश कर रहा है। UIDAI का नया लॉन्च किया गया प्रमाणीकरण तरीका, इसका उद्देश्य निवासियों की जरूरत को हल करने के लिए कुछ मौजूदा और नए एप्स के लोकप्रिय बनाता है। हैकाथॉन में भाग लेने के नियम। UIDAI ने हैकाथॉन के बारे में जानकारी देते हुए एक पोर्टल बनाया है। हैकाथॉन में भाग लेने के लिए IIT, NIT